दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए इन दो आहार का सेवन आपको परमानेंट करना ही करना है। इन दो आहार का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। इन दो आहारों को सभी आहारों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये दो आहार हमारे शरीर को धारण करते हैं, यही दो आहार हमारे शरीर को पोषण देते हैं, हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं। और वो दो आहार कौन से हैं? वो दो आहार है फल आहार और दुग्ध आहार, यानी कि फल और दूध। इन दो आहार में परमात्मा ने ऐसे ठूस ठूस कर विटामिन भरे हैं, ठूस ठूस कर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट भरे हैं, जिसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको जिंदगी भर मल्टी विटामिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। परमात्मा ने फल आहार और दुग्ध आहार में बल, वीर, कांति और ओज को बढ़ाने वाली शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। इन दोनों आहार का लगातार सेवन करते रहने से आपके चेहरे पर कांति आएगी, आप वीरवान बनेंगे, आपके शरीर में शक्ति आएगी, आपका बल कभी भी क्षीण नहीं होगा, यानी कि आप सदा बलवान रहेंगे। आपको पता है कि पहले चार आश्रम होते थे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और आखिरी है संन्यास आश्रम। तो इस संन्यास आश्रम में जीवित रहने के लिए हमारे ऋषि महर्षि दुग्ध आहार और फल आहार का ही सेवन करते थे। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों आहार हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूध के बारे में, दुग्ध आहार के बारे में। दूध आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, सुबह लेना है सुबह लो, दोपहर को लेना है दोपहर को लो, और रात को लेना है तो रात को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में यानी कि दूध के बारे में हम आगे आने वाले समय में बहुत डिटेल में जानेंगे। दूध के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको 3-4 दिन में ही मिल जाएगी, क्योंकि कई लोग दूध का नाम सुनते ही रात का समय याद करते हैं, यानी कि रात का समय दूध पीने के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन नहीं भाई साहब, आयुर्वेद में तीनों समय दूध पीने के फायदे बताए गए हैं और तीनों समय दूध पीने के अलग अलग फायदे होते हैं। इसके बारे में हम 3-4 दिन में ही जानेंगे। आगे बढ़ते हैं फल आहार पर, यानी कि फल आहार हमें कब करना चाहिए। फल आहार आपको हमेशा हमेशा नाश्ते के रूप में ही करना चाहिए, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट जो चीज खाई जाती है उसका एक एक कण हमारे शरीर को लगता है। और ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति जो कि जानता है कि सुबह खाया हुआ एक एक कण शरीर को लगता है, तो ऐसे समय वो अच्छे आहार का ही सेवन करता है, और ऐसे समय फल आहार का सेवन करना सबसे उत्तम है। हालांकि फल आहार का सेवन करने के बाद आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में 1 घंटे का फासला जरूर रखें। अब आप पूछेंगे कि हमें कौन से फल का सेवन करना चाहिए, तो आपको कोई भी ऐसे 4 फल जो आपको पसंद हो, जैसे कि केला, सेफल, अनार, संतरा, जो भी 4 फल आपको पसंद हो, उन्हें 4 फल को आपको सिलेक्ट करके रोज सुबह सुबह खाना है। अगर आप सीधा ही खाना खाते हैं, कोई नाश्ता वास्ता नहीं करते, तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले फल आहार का सेवन करें फिर बाद में खाना खाएं। और हाँ, रोज के रोज हर फल को आपको बदलते जाना है। हाँ, लेकिन 1-2 फल दिन पे दिन रिपीट होता जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हमारा मेन एम ये है कि हमें फल आहार और दुग्ध आहार का सेवन करना है। तो दोस्तों, इसी तरीके की और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।